नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में हम हैं पुष्पेंद्र भैया के साथ में। तो पुष्पेंद्र भैया को इस चैनल पे, जो मेरा एज ए पिजन चैनल है, इस पे ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इनकी जो वीडियो बनाई है अभी तक सेटअप की, वो अधिकतर वीडियो मैंने दूसरे चैनल पे बनाई है, जिसमें मैं एक्वेरियम वगैरह की वीडियो डालता हूँ। तो इनका जो शौक़ है वो कबूतर का नहीं है, इनका शौक़ है बजरी वगैरह का, बजरी, लव बर्ड, अफ्रीकन लव बर्ड वगैरह का। ये देखिए इस टाइप से आती है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है अपना सेटअप थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इसलिए इसमें से बहुत सारी जो बर्ड्स है वो सेल कर रहे हैं। सबके सब चालू पेयर है, इसमें बेकार पेयर एक भी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हम यही वाला पेयर बताने वाले हैं जिसको अभी आपको बताया। इसमें जो है ये भी एक सिंगल फीमेल अपने पास में सेल के लिए, और इसका मेल जो था, मेल गलती से उड़ गया था, क्योंकि ये इसको खोल के जब साफ़ सफाई कर रहे थे, पाउडर वगैरह डाल रहे थे, तो ये दरवाज़ा खुला था यहाँ का, तो मेल जो था वो दरवाजे से बाहर हो गया और वो उड़ गया। इससे कारण मतलब कि इसकी जो फीमेल है ये सिंगल है। एक और बार आपको दिखा देते हैं, ये देखिए पुष्पिन भाई, ये फीमेल, ये कौन सी ब्रीड है, इसका नाम वैसे हमको पता नहीं है भाई। ये कॉकटेल है और पर्ल की फीमेल है, और लुटिनो के मेल के साथ लगी थी। अच्छा अच्छा, लुटिनो का मेल उड़ गया, लुटिनो मेल उड़ गया है, पर्ल की फीमेल अंडे पे बैठी हुई फीमेल है। बिल्कुल एकदम चालू ब्रीडिंग फीमेल है। उसके बाद में ये एक पेयर है, ये कौन से भाई, ये पाइनएप्पल कनोर का मेल फीमेल का पेयर है, और ये विथ डीएनए के साथ डीएनए के साथ में तो ब्रीडिंग पेयर अवेलेबल है जी। इसके तीन बच्चे भी अपने पास नीचे अवेलेबल है। हाँ, अपने शॉप पे दिखाए थे नीचे। पुष्पेंद्र भाई की शॉप भी है, जिसमें वो ये बर्ड्स वगैरह और एक्वेरियम की फिश वगैरह सेल करते हैं। एक्वेरियम शॉप है उनकी, देखिए आपको दिखाते हो थोड़ा, ये देखिए इसको बंद कर देते हैं क्योंकि बाहर निकल जाता है। इनका सिस्टम कबूतरों जैसा नहीं रहता, ये अगर उड़ जाते तो मिलते नहीं वापस से। और फिर अगला है ये भाई शो का पेयर है। अच्छा, ये देखिए शो का ये मेल है और फीमेल बॉक्स के अंदर बाहर निकल, ये बाहर निकल गई थी। अच्छा, एक पेयर ये है और एक पेयर बाजू में है, बाजू में एक पेयर है। ये देखिए भाई, और इसके मैं अंडे भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए अंडे भी निकाल के बता रहे हैं। ये देखिए भाई, ये चालू पेयर है, इसके अंडे ही लेंगे पूरा, सारे अंडे बच्चे बन रहे अंडे में। हाँ। कोई भी मतलब पेयर में कोई दिक्कत नहीं है। एक पेयर नीचे है भाई शो का जी, एक पेयर नीचे है, ये रहा भाई, ये इधर इसके नीचे, ये वाला भाई। अच्छा, ये वाला, ये देखिए, तो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर बजरी का भी पेयर है। ये देखिए, इसको हेलीकॉप्टर बजरी बोलते हैं। ये ब्लू कलर का मेल है भाई और वाइट फीमेल है, वाइट फीमेल है। इसमें भी देखिए मैं एक्स बता देता हूँ आपको, ये देखिए एक्स निकाल के बता रहे हैं इसमें से। ये देखिए भाई, ये देखिए, और एक पेयर इधर बाजू में भी है भाई। इसमें भी एक वाइट की फीमेल, वाइट का मेल है और ब्लू फीमेल है भाई। अपन ने इसको क्रॉस ब्रीडिंग लगाई थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। हाँ, इसमें भी एग है भाई, मैं आपको, इसमें भी एग है, पूरे अंडे वगैरह सब रखे हुए हैं। ये देखिए पांच एग है, पूरा फर्टाइल है जी। और कौन सा पेयर आपको दिखाना है? और भाई ये देखिए भाई, ये क्रीमिंग, ये एक पेयर है, ये नॉन रिंग वैरायटी है। अच्छा, नॉन रिंग बोलते हैं इसको। हाँ, अफ्रीकन की नॉन रिंग वैरायटी है। इसमें ये की फीमेल है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फीमेल आ गई, ये क्रीमिनो की फीमेल है भाई, और इसमें भी एक्स है भाई। ये देखिए इसमें भी अंडे रखे हुए हैं, इसको बंद कर देते हैं, अपन बाहर निकल जाएंगे। इसमें भी एक्स है भाई, ये देखिए ये तीन एग है भाई, तीन अंडे रखे हुए इसके अंदर। और एक ये रिंग वैरायटी है भाई जी, इसको अपने के एक ये मतलब सिंगल पीस मेल है भाई, इसकी फीमेल डैमेज हो गई थी। अच्छा, भाई तो इसमें भी देखिए, इसमें भी अंडे रखे थे फीमेल ने, इसकी फीमेल कुछ कारणों से मतलब अंडे पे बैठे फीमेल डैमेज हो गई। अच्छा, थी ये रिंग वैरायटी में है ये वाला पेयर भाई, ये वाला, ये पेयर नहीं है, सिंगल मेल है। हाँ, सिंगल मेल है, पहले पेयर था, बाकी इसकी फीमेल कुछ दिन पहले मर गई, एक दिन हुआ शायद। और एक ये पेयर है भाई नीचे जी, एक ये पेयर है यहाँ पे, ये फीमेल है भाई, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ।
दिख रही होगी आपको, देखिए ये फीमेल है, इसके अंदर ये फीमेल है, इसके अंदर भी एक से भाई, इसके अंदर भी एक सिंगल एक रखा था और इसका मेल मेरे भाई ने जिद के वजह से मेल मुझसे ले लिया था, तो मेल नहीं है मेरे पास। अच्छा, मेल मतलब कि आपके भाई को आपने दे दिया? हाँ, था मेरे भाई को दे दिया था, उसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी तो मैंने उसको मेल दे दिया था। ये फीमेल है, एक्स पे भी। अच्छा, एक के यार भाई रिंग वैरायटी में ये है, इसमें माओ मार्क्स का मेल है, ब्लैक कलर का ही है। हाँ, माओ मार्क्स बोलते हैं इसको। और ब्लू मास्क की फीमेल है। अच्छा, ये देखिए वो बाहर आई होगी। हाँ, फीमेल ये देखिए बाहर आ गई है। और इसमें भी भाई आप देखेंगे तो देखिए दो एग इनने अभी रखे हुए हैं। ये देखिए दो एग अभी रखे हुए हैं। हाँ जी। और उसके बाद भाई एक नीचे पेयर है, ये भी रिंग वैरायटी का पेयर है। इधर है कि नीचे बॉक्स के अंदर होंगे? अच्छा बॉक्स के अंदर होंगे। ये देखिए बॉक्स के अंदर, इधर आ गए बाहर, जो तो मेल फीमेल आ गए बाहर आ गए। और इसमें देखिए एक एक ये है और एक एक उन्होंने चिपका के बाहर दे दिया था। पेयर अपने पूरे चालू है। एक ही पेयर बंद है। हाँ, इसको चिक्स मार्क्स बोलते हैं। अच्छा, चिक्स मार्क्स बोलते हैं। रिंग वैरायटी में चिक्स मार्क्स। अपने पास एक ही पूरा पेयर है और एक सिंगल मेल अवेलेबल है। अच्छा। और ये केज वगैरह भी सेल के लिए है सब? हाँ, ये सब बनवाए हुए केज, इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कम से कम एक साल से भी कम टाइम हुआ होगा। फर्स्ट ब्रीड ही ली है भाई अपन ने। अच्छा, ये मतलब ये केजों में सिर्फ एक बार ब्रीड ली है। ये देखिए ट्रे सही था, पूरी ट्रे वगैरह भी केज वगैरह में बिल्कुल एकदम प्रॉपर ट्रे। तो किसी भाई को अगर केज चाहिए तो केज भी मिल जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है ये केज जो है गैस वेल्डिंग से देखिए बनते ही हैं, वो काफ़ी महंगे बनते हैं। इसमें से एक केज अगर कोई बनवाता है तो उसको 10,000-20,000 तो आराम से लग ही जाते हैं। 10-20 तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि कबूतर वगैरह वाले भी जानते होंगे कि केज जो है कितने महंगे बनते हैं। जो ट्रे के साथ में ये देखिए, अगर इसमें कोई कबूतर पालना चाहता तो कबूतर के लिए भी एक केज ले सकता है भाई। इसमें अधिकतम केज तो यूज ही नहीं हुए, यूज हुए ही जैसे नहीं ये जो केज है इसमें सिर्फ दो केज यूज हुए हैं, चार केज तो देखिए खाली आज तक यूज ही नहीं हुए जी। ऐसे ही अपने इसमें भी देखें तो ये पूरे ये केज तो मैंने आज तक यूज ही नहीं करा है। एक दो बार पेयर रखे होंगे एक दो दिन के लिए, फिर पूरे हटा दिए। मतलब ये देखिए यहाँ पे देखिए जाले लग गए हैं, क्योंकि ये जाले नहीं लगते तो यूज रहता है, क्योंकि अभी तक ये केज को यूज करा ही नहीं है। और ये वाले केज में भी भाई हम सिर्फ ऊपर और नीचे का केज यूज कर रहे हैं, ये दोनों केज भी हमारे पूरे खाली है, पूरे खाली। तो हमें ये पूरा केज भी देना है और पूरे बर्ड्स भी निकालना है, क्योंकि हमें एक दूसरा सेटअप तैयार करना है। उसके लिए ये सेल करके फिर हम उधर दूसरा सेटअप तैयार करेंगे। हाँ, वो तो इस वीडियो में आपको नीचे पुष्पन दिया का नंबर मिल जाएगा, और जो लोकेशन है वो खंडवा MP खंडवा मध्य प्रदेश की है। और डिलीवरी भी अपन करवा देंगे, ऑल MP करवा देंगे, या फिर कहीं बाहर हो सके तो वो भी करवा देंगे। डिलीवरी की कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो पुष्पन भैया से। और काफ़ी रीजनेबल रेट में लॉट जो है, लॉट तो नहीं बोल सकते, सिंगल पीस अगर कोई लॉट लेगा तो लॉट में भी दे देंगे बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट में। क्योंकि बजरी वगैरह ये लवर्ड वगैरह वाले जो पालते हैं उनको पता है कि इनके क्या क्या रेट चलते हैं, मुझे तो रेट नहीं पता। तो काफ़ी रीजनेबल रेट है, जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट करिए आप।